हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश पंत, आज हम बात करेंगे सार संग्रह पार्ट 3 की। हमने इसके पेज 8 तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस किसी सब्सक्राइबर ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उनसे गुजारिश है, प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पार्ट 3 का लेक्चर। इसमें है साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हंटर समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालोपनिषद में। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। बुद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप लिखिएगा तहकीकाते हिंद के रचयिता कौन है? अल बरूनी। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। ये क्वेश्चंस भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, खास तौर पर एमटीएस एग्जाम में। जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चंस को नोट कर लें, और जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे नोट कर लें। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुल्ला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? ये थे अजात शत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतस लाका। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ। मैंने आपको बताया था पार्ट टू में पानीपत का पहला वॉर कब हुआ था, पहले जो दूसरा वॉर था कब हुआ था, ठीक है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है, एक बार नहीं दो बार नहीं, कम से कम 40 से 50 बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखा गया है, तो इसलिए इसको याद करना ना भूलें। टका और जीतल, ठीक है, सिक्के का प्रचलन, एक पर में लिखिए इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का।
अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस, वन माली एवं काली बंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो, मोस्ट एमपी। अमीर खुसरो को लेकर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा। दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार कर्म से किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में, मोस्ट एमपी। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टिनेमिका। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक संप्रदाय के। नेक्स्ट है, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई थी? मेव देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्याय के चार वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे? भद्रवायु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली ने, मोस्ट एमपी। अमीर खुसरो की रचना खैजान उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? शर्मेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकप्पी में किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यमित्र वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में, मोस्ट एमपी। परवर सेन ने चार अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोर उपनिषद में, वेरी गुड, बहुत नाइस क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसके सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था? पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? 711 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। मैंने आपको बताया था गुलबदन बेगम जो थी वह हुमायूं की सिस्टर थी। कभी कभी पूछ लेता है कि गुलबदन किसकी बहन थी, तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं की। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं नामा। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी।
पंच सिद्धांतिका, भरत संहिता और भरत जातक किसकी रचनाएं हैं? बारह मिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेडेर को किस नाग से अभिहित किया गया? मिलिंद। बौद्ध ग्रंथों में, अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। बौद्ध ग्रंथों में मिनेडेर को किस नाग से अभिहित किया गया? मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने वे सहायक देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? वो थे जयचंद, जो कन्नौज के एक शासक थे। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर किस वंश का शासन रहा? कब से कब तक? 1206 से 1290 तक, तथा कथित गुलाम वंश का। ये क्वेश्चंस मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। अकबर का राज्याभिषेक तो 14 वर्ष की आयु में हुआ। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी आयु क्या थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है 14 वर्ष। अगला है, वह कहाँ संपन्न हुआ? वो संपन्न हुआ कालानौर में। अब देखिए, 14 वर्ष की आयु में तो वो युद्ध तो करने जाएगा नहीं, उसको युद्ध की समझ होगी नहीं, अभी वो छोटा बच्चा ही था। तो उस टाइम पे जो था कि उसके कार्यभार को किसने संभाला? एक सैनिक था, उसका नाम हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करा है। जिस किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप लोग काफ़ी कुछ मिस कर चुके हो। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 8 से 9 बार देखने को मिले हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सिलेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हुए हैं उन सब का बड़ा सा कलेक्शन रखा गया है इस किताब के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किससे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं की दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं, महाकाव्य हैं कौन से दो? मोस्ट एमपी, नाम सबने सुना होगा, रामायण और महाभारत। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री फयान था। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की ओर। बोध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बोध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी का रियल नेम जो था वो था अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। बच्चों, अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं साइड बाय साइड, तो प्लीज़ अपनी नोटबुक तैयार रखिए। इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मेरे इस वीडियो को पॉज करिए, प्ले करिए, कई बार वॉच करिए, जब तक आपको एक एक लाइन क्लियर ना हो तब तक आगे ना बढ़ें। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और उन्नति कंपटीशन क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बढ़ते हैं आगे। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, जो पड़ता है उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना गया है? बाजीराव फर्स्ट को, मराठा साम्राज्य का। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्के पर बुद्ध की मूर्ति के बने हुए संकेत मिलते हैं? कनिष्क। कनिष्क जो था बुद्ध का अनुयायी था। उसके पिता कौन थे?
अशोक, यह मैक्सिम लोगों को पता होगा। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी ग्रीवस था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गुण पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। मोस्ट एम्पी क्वेश्चंस। बिंदुसार जो था वो अशोक के पिता थे, और अशोक का बेटा कौन था? कनिष्क। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था जिसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो जिसने हृदय परिवर्तन करा मतलब एक महाराज एक थे, एक भिक्षु थे, वो युद्ध की जो भूमि थी जिसमें अशोक ने लहू लुहान होता हुआ भूमि देखी, तो उस टाइम पे एक भिक्षु उसके पास में आए, उनको एक प्रवचन दिया, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन गुरु का क्या नाम था? मैंने आपको पार्ट टू में इसके बारे में बताया था, तो जिसने पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट टू देखिए। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने का कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? अगेन रिपीट हो रहा है, कन्नौज का जयचंद्र। कोणार्क मतलब उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह प्रथम ने। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। ये ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पार्ट वन में भी आया था और पार्ट टू में भी हमने देखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, किस भाषा में लिखी है? वो पूछ रहा है भाषा का नाम, ये जो लिखी गई है तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावा की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वजी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कणव वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासन कौन हुआ? राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष, और कालानौर में राज्याभिषेक इसका हुआ था। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्गा। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति मतलब पूरी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के हाथों में। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात्र किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? लॉर्ड इरविन के साथ। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। मैगसिनस की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इबन बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नान घर को।
कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रवायु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने वत्सल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्या ने सफलता प्राप्त की? मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इसका नाम आप 4 से 5 बार अपनी नोटबुक में अभी लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम सीजीएल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलडीसी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, ये तो नाम आपको टिप्स पे याद होने होना चाहिए। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्यवस्था है या व्याख्या है कौन सी? भगवत गीता। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। हेमू कौन था? अंतिम हिंदू नवाब। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। 14 वर्ष की आयु में। अगेन रिपीट हो रहा है इसी पार्ट में, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आपको याद ही क्वेश्चन करना करना पड़ेगा। पढ़ के बताऊँ? चलिए पढ़ देते हैं दोबारा से, मेरे साथ आप भी बोलिए। 14 वर्ष की आयु में कालानौर में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किस प्रयोजन से भारत भेजा? ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को भारत भेजा था, तो उसका रीजन क्या था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यमित्र राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूसा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर का पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। नूर जहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी जहांगीर का मकबरा और एतमादोल्ला का मकबरा। नंद वंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जिसको हम बोलते थे चाणक्य। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की ओर। देखिए इसमें बोल रहा है बोध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन। बोध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश।
भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1286 1290 तक शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहा जाता था? किस वंश ने इस साल तक हमारे उस पर शासन करा दिल्ली पर? दास वंश, गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ था। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश दिया। ये मिलता है मनुस्मृति में। तो ये क्वेश्चन इसी पार्ट में, पार्ट 3 में दोबारा रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कला की किस शैली को ग्रीक बोध शैली की संज्ञा दी गई? मोस्ट एमपी। गांधार शैली को फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अकबर के इबादत खाना की स्थापना किसने की, कहाँ पर की, सॉरी, फतेहपुर सीकरी में। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है इसी पार्ट के अंदर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। औरंगजेब ऐसा शासक था कि उसका राज्याभिषेक 2 बार करा गया। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? जेहाद की, मतलब एक पवित्र युद्ध था। गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार जयदेव के शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवता द्वारा की गई थी। अस्तो मा सद्गम्य कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? मोरक्को के। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है वो रिपीट ऐसे होंगे होंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं अभी भी, इस वीडियो को दोबारा अगेन प्ले करना, अपने नोट्स अभी बना के चलना। अगर आप बोलेंगे कि बाद में बना लूँगा तो फिर बाद कुछ लोगों की बहुत लेट आती है। आप उनमें से हैं या फिर नहीं है वह आप अपने आप को अच्छे से जानते होंगे। चलिए, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमारा हो गया था। हम थे संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के 4 चरण में माच जाते थे। 4 श्रेणियां कौन सी थी? ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। अलबरूनी का रियल नेम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। ये क्वेश्चन भी इसी पार्ट में अगेन दोबारा रिपीट हो रहा है। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का। ये क्वेश्चन भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये हमारा तीसरी बार रिपीट हो रहा है। नूर जहाँ ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासन के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में।
ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वन बाली और कालीबंगा। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, एवं तुलना मार्टिन लूथर किंग से करी गई है, नागार्जुन की। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अबू रहीम की खान खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की, गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलता दिलवाने में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, ये थे जहांगीर। और औरंगजेब ने भी किसी गुरु की हत्या करी थी, उन गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला है, भारत धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत पर लिखी है, दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था, राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया, शेरशाह के काल में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे, फिरोज तुगलक के पास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में था, चोल वंश के काल में। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, राक्षसी तंगड़ी मतलब ताली कोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेखक की विषय वस्तु किसने लिखी थी, हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार के थी, होलकर की। रामचरित मानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे, अकबर के। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। मिलिंद पन्हों पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है, नागसेन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था, केरल के कलादीग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था, युद्ध और प्रेम। किस प्राचीन शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, समुद्रगुप्त को। अगेन रिपीट हो रहा है। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज के हेतु अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था, तब भारत पर किसने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने। किस भारतीय को
भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से करी गई, वो थे नागार्जुन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से आप ध्यान रखिएगा। इस किताब के माध्यम से उनका कहना ये है कि जो बच्चे एक वन टाइम इस बुक को पढ़ रहे हैं, दो तीन बार हम उनको अपने अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करवा देंगे, बट इस एग्जाम में क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको ये बुक या तो आप परचेज करके पढ़ लीजिए, वरना मेरे वीडियो को 3 से 4 बार आप प्ले करिए, तभी आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो पाएगी। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण। उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर। बच्चों इसी के साथ पार्ट 3 में फिनिश करता हूँ, पार्ट 4 में जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कम से कम 3 से 4 बार वॉच करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा एक बार आप देख करके इसको रफली नज़रों से देखेंगे और सोचेंगे आपको याद हो गया तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर रिवाइज ना करा जाए तो वो उस चीज़ को भूलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अपने नोट्स बनाइए, ध्यान से इसको लिखिए। इसी के साथ उन्नति और उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं जल्द एक नए लेक्चर के साथ, एक नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।